हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। घर में बच्चा सही है या नहीं, ये कैसे समझे? प्रेग्नेंट होने के बाद एक माँ की जो सारा जो सोच है, जो सारा दिमाग है, वो जो अपने बच्चे से ही शुरू होता है, बच्चे पे ही ख़त्म हो जाता है। हर समय बच्चे का ही ख्याल आता है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, प्रेगनेंसी ठीक चलेगी या नहीं, शुरुआती फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग ना हो जाए कहीं, मेरी किसी गलती से कुछ बच्चे को नुकसान ना हो जाए, पहले ये चलता है। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे की मूवमेंट शुरू हो जाती है, बच्चे की किक शुरू हो जाती है, तो अगर थोड़ी थोड़ी देर पे उसे महसूस करती है, नहीं महसूस हुई तो उसमें पैनिक होने लगते हैं कि क्या बात है, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, अभी तक बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, क्या बात है, इसमें शुरू हो जाता है। और थर्ड मंथ में अब क्योंकि डिलीवरी का टाइम आ रहा है धीरे धीरे, तीसरा महीना है, तो उस तरह से क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चे का साइज प्रॉपर हुआ है या नहीं डिलीवरी के लिए, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे नॉर्मल डिलीवरी कराएं, कब हॉस्पिटल जाना है, कैसे बैग तैयार करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती चलती रहती हैं। इन्हीं में 9 महीने बीत जाते हैं। सीरियसली मेरे साथ भी यही होता था और सबके साथ यही होता है जितने भी लड़कियां जो हैं प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, यही पूरे 9 मंथ चलता रहता है। सब कुछ बच्चे से ही शुरू होता है और बच्चे पे जाके अपने ख़त्म हो जाते हैं, और डिलीवरी के बाद भी फिर सब कुछ बच्चे पे ही शुरू होता है। सुबह भी जो शुरुआत होती है वो भी बच्चे से ही होती है, और रात जो ख़त्म होती है वो भी बच्चे पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो यही पूरे टाइम चलता है जब एक लड़की माँ बन जाती है। फिलहाल हम बात करते हैं कि बच्चा स्वस्थ है घर में या नहीं, ये आप कैसे समझ सकते हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है आपका, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बच्चे की मूवमेंट होती नहीं है, वो तो 4 महीने जब के कम्प्लीट हो जाते हैं, तो 5वें महीने से कहीं जा कर के होती है। तो जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको इसमें ध्यान रखना है, जैसे कि आप अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें आपको किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं हो रही हैं। वैसे तो ये हार्मोनल होता है, बहुत सारे लोगों को होती है, पर उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के केसेस में होता है कि वो बिल्कुल खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, बस उनको वॉमिटिंग होती रहती है, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक बार आपको डॉक्टर्स कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ तो न्यूट्रिशन है जो बच्चे तक पहुंचना चाहिए। भले आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1.25 किलो ही वेट गेन किया हो, लेकिन कुछ तो जाना ज़रूरी है ना बच्चे में। अगर आप कुछ भी खा पी नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में आपको बैठना नहीं चाहिए। कुछ डॉक्टर से इससे रिगार्डिंग मेडिसिन आती हैं कि वॉमिटिंग ना हो, कुछ खाने की इच्छा हो तो प्रेगनेंसी के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि बेबी मूवमेंट नहीं होती, तो आपको चेक करते रहना है कि कहीं किसी तरह की कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई स्पॉटिंग तो नहीं हो रही, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, कमर में तेज दर्द तो नहीं हो रहा, शुरुआती में ही उठने बैठने की समस्या तो नहीं शुरू हो गई, क्योंकि ये सब शुरुआत में नहीं होता है। उठने बैठने की जो प्रॉब्लम है ये थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके ज़्यादा शुरू होती है। तो ये चीज़ें हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको समझनी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि 5वें महीने जब आधा होता है या फिर एंड होने लगता है, तब से बच्चे की मूवमेंट शुरू हो जाती है, और फिर 6वें महीने से बच्चा अच्छे से किक करना भी शुरू कर देता है। तो जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जब बच्चे की किक स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको उसको ट्रैक करते रहना होता है। 2-2, 3-3 घंटे का बच्चे गैप भी लेते हैं, क्योंकि घर में बच्चे सोते भी हैं, उनको आराम भी चाहिए होता है, तो 2-3 घंटे वो नहीं भी किक करते हैं। तो जब जितना वो किक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो कितने एक्टिव हैं, ये आपको अपनी प्रेगनेंसी में धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो आपको टाइम टू टाइम बच्चे की अपनी किक को ध्यान रखना है, मूवमेंट को ध्यान रखना है। कुछ मदर क्या होती है, बच्चे आधा आधा दिन किक ही नहीं कर रहे, एक एक दिन पूरा बीत गया किक नहीं कर रहे, और उनका ध्यान ही नहीं जाता। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट बताऊँगी, मेरी फ्रेंड का केस था कि 2 दिन बीत गया और उसके बेबी ने किक नहीं की, और उसको पता नहीं कैसे समझ में ही नहीं आया, 2 दिन बीत गए पूरे उसके बाद, और उसका प्रेगनेंसी का 8 महीने पूरे हो चुके थे, ऑलमोस्ट 9 मंथ चल रहा था। 2 दिन पूरे बीत गए और उसको बिल्कुल पता ही नहीं चला कि बेबी किक नहीं कर रहा। 2 दिन जब देखा उसने नहीं किक हो रही, तो फिर वो अगले दिन भागी सुबह, डॉक्टर से चेक कराया, तो डॉक्टर चेक किया तो कोई इन्फेक्शन था जो बॉडी में उसके फैल चुका था अंदर, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई थी। उसकी तुरंत फिर सिजेरियन डिलीवरी करा के बच्चे को निकाला गया था, और बच्चा पूरा नीला पड़ चुका था जब देखा गया था। तो ऐसा भी केसेस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कहती हूँ कि बच्चे, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ और आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो करना है कि अपनी प्रेगनेंसी में आपको जब बच्चे के मूवमेंट शुरू हो जाए, जब बच्चे की किक शुरू हो जाए, तो उस पर गौर करिए, ध्यान करिए। 2-3 घंटे के बाद घंटे बच्चे सोते हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं, तो उस दौरान आप अगर बच्चा किक नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ी सी कुछ मीठी चीज़ खा लीजिए, बच्चे तुरंत किक करना शुरू कर देते हैं। या फिर अपने पोर्स से अपने प्रेस, पेट के ऊपर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रेस करिए चारों तरफ से, तो इससे भी बच्चे अगर सो रहे होते हैं तो किक करना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़े से घरेलू उपाय होते हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं बच्चे की किक और मूवमेंट।
थर्ड ट्राइमेस्टर में, ये तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्यों हो गया। दूसरी जो चीज़ आपको स्वस्थ प्रेगनेंसी की बताती है कि आपका हेल्दी वेट गेन हो रहा है। कुछ लोगों का वजन कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, या फिर शुरुआत में तो पेट अच्छे से बाहर आ रहा था, फिर अचानक से धीरे धीरे कम होने लग रहा है, उनका पेट नहीं बढ़ रहा है, उनको पेट में कुछ अजीब सी चीज़ें या फिर उनको बॉडी में अपने कुछ अजीब से चेंजेस महसूस होने लगे, या फिर वेट बढ़ते बढ़ते फिर घटना शुरू हो गया है, अब वेट बढ़ ही नहीं रहा, पहले तो बढ़ रहा था। तो ऐसे केसेस में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब बॉडी आवल जो है वो सिकुड़ने लगता है, या फिर किसी कारण से बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जो आपको नहीं पता चलता, तो बच्चे की ऐसे केसेस में डेथ हो जाती है। तो फिर पेट बढ़ना नहीं बढ़ता नहीं है, वो पेट घटना शुरू हो जाता है, कम हो जाता है पेट, क्योंकि बच्चा सिकुड़ के उसमें, जो बच्चा पहले इतना बड़ा होता है वो सिकुड़ के धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है पेट के अंदर ही। तो ऐसे में भी अगर आपको ध्यान रखना चाहिए, पर अगर प्रॉपर आपका पेट बढ़ रहा है, अच्छे से आप खा रहे हैं पी रहे हैं, भूख लग रही है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होता है कि आपका अच्छा वेट गेन हो जाता है, जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं उसमें भी सब कुछ ओके होता है, बच्चे की अच्छा वेट गेन बच्चे का भी हो रहा है, बच्चे की भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप भी सब कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी हेल्दी प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो कुल मिला के आपको बच्चे की पूरे टाइम मूवमेंट है ट्रैक करनी है, आपको अपना अच्छा वेट गेन हो रहा है, बच्चे का अच्छा हेल्दी वेट गेन हो रहा है, आपको जो प्रेगनेंसी के दौरान जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनको चेक करते रहना है, पेट का साइज आपका अच्छे से बड़ा हो रहा है, सब कुछ आप अच्छे से खा ले रहे पी ले रहे, आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हुई है प्रेगनेंसी के दौरान, शुगर नहीं है, थायराइड नहीं है, ये सारी समस्या अगर नहीं है, हर बार जब भी आप डॉक्टर पास चेकअप कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपका बीपी चेक करता है, वेट गेन चेक करता है कितना हुआ, अगर ये सब नॉर्मल है तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ है और हेल्दी है। तो कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नए बेहतर जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, नमस्कार।